हे एवरीवन, गुड इवनिंग। 5 बज गया है शाम का और अभी मेरे जाने की तैयारी हो रही है। और आज का मौसम देखो, आज तो ना धूप ही नहीं निकली थी। ये देखो कैसा कैसा बादल है, ये बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। सर्दी एकदम से आ गई है। कुहू कुहू देखो कैसे घूम रही है, रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ अब सही है। तो अभी पैकिंग हो गई है पूरी और मेरा जो घर का काम पड़ा था ना एक्स्ट्रा वाला पैकिंग, देखो 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 मेरी पूरी हो गई है। ये कुहू के लिए कंबल, कुहू के लिए कंबल रख लूँगी, उसी का छोटा है तो उसको रख लूँगी। और इसी के साथ साथ मेरा किचन में खाना थोड़ा सा पैक करके ले जाऊंगी, क्योंकि बाहर का नहीं खाना है। और मैं आज बैठूंगी और आज पूरी रात निकलेगी, कल का पूरा दिन निकलेगा, कल शाम को इसी टाइम तक हम घर पहुंच पाएंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है और तो भूख वगैरह लगाएगी तो बाहर कुछ नहीं खाएंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ बनाकर पैक कर लेंगे। और ये देखो घी, मलाई मैं निकालती रहती थी ना, तो उसी वो मलाई का मैंने घी निकाल लिया है, तो इसको भी मैं भर दूंगी। और मैं जाते जाते सारे काम निपटा दूंगी कि कहीं पर फैला ना रहे। और ये भी आ गए हैं। आया है बर्गर। नो 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 नो, बढ़िया चीज। जाते जाते हम लोगों ने सोचा कुछ खा लिया जाए, तो यहाँ मैंने बर्गर ऑर्डर कर लिया है जो कि मैं भी खाऊंगी, और उसके बाद यहाँ से आगे की तैयारी करूँगी। हेलो, अभी शाम का 7 बज गया है और हम लोग अभी निकल रहे हैं। बस है 7:45 पर और सारा सेटलमेंट कर दिया है, मतलब कि सारी क्लीनिंग हो गई है और खाना वगैरह भी पैक हो गया है, क्लीन है। और बैग मेरा कहाँ गया? अभी जाती हूँ मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। ये वाले बैग पैक यहीं पर रखे हैं, ट्रॉली बैग पता नहीं कहाँ गया है। और कुहू देखो, कुहू सच्ची सही से बैठ जा, कुहू रेडी है जाने के लिए। चलो तो अभी निकल रहे हैं हम लोग। और आपको दिन का तो सफ़र नहीं, रात है अभी, क्योंकि तो रात का सफ़र नहीं दिखा पाएंगे, बट मॉर्निंग का जरूर दिखाएंगे। और अभी मैं दिखाऊंगी अपना झांसी, मैं चली झांसी अपने, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, बहुत एक्साइट। तो चलो अभी निकलें जल्दी से, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है तो लेट हो जाएंगे वरना। चलो कहना बाय 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 बोल दो। और फरीदकोट से मेरा रिजर्वेशन था स्लीपर बस में, क्योंकि यहाँ से ट्रेन नहीं चल रही है। और ये मैं बस में हूँ। ये कैबिनेट काफ़ी अच्छी थी, मतलब एकदम सेफ्टी भी थी काफ़ी और सिक्योरिटी भी काफ़ी थी, अच्छी थी स्लीपर बस। तो इसमें मुझे पूरी रात गुजारना पड़ा, बट अच्छे से रात निकल गई थी। ये देखो, और ये दिवाली है तो सारे यहाँ की सजावटें होती जा रही हैं। कुहू भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। चलो तो अभी, हे गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी मैं ट्रेन में आ गई हूँ दिल्ली से फिर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चंबल की घाटियाँ हैं जो कि झांसी जाने के पहले पड़ती हैं, तो मैंने सोचा चलो शेयर किए देती हूँ। और ये चंबल नदी है मेरे यहाँ की। शो अभी आप लोग इसको एंजॉय करें। और अभी हम बस झांसी पहुंचने वाले हैं, तो घर भी पहुंचने वाले हैं, तो अभी आपको मिलते हैं घर पर सीधा।
तो ये देखो मेरे झांसी का स्टेशन, मैं पहुंच गई हूँ झांसी। और ये मेरे यहाँ का स्टेशन है और इस टाइम कोई भी भीड़ नहीं है स्टेशन पे, क्योंकि चेकिंग चल रही है और लाइनों में जाना पड़ता है। और कितना क्लीन है ये, थोड़ा सा शायद 5 महीने से मैं नहीं आई हूँ, तो ये फर्श न्यू डले हुए हैं, काफ़ी चेंज हो गया है। और ये मेरे भाई और पापा मुझे लेने आ गए हैं। तो चलो आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, ससुराल ब्लॉग में। और मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।